वेलकम टू माय चैनल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जबरदस्त का लाजवाब का ये गीत है। तबीयत अब ठीक हो रही है, आप तमाम लोगों को दिल से आभार है जिन्होंने पिछले वीडियो के मेरे मैसेज को ऐसे बोलते बोलते बोल दिया था, क्योंकि बहुत दिल के करीब होते जा रहे हैं आप लोग हैं ही। जितने सारे लोग हैं करीब 1.5 लाख के आसपास आप लोग पुड़ने वाले हैं हमारे साथ, आप लोगों का प्यार है। तो तबीयत अब ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ लग गई थी लेकिन अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा बहुत है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल से धन्यवाद है आप लोगों ने ऐसा मेरे लिए शुभकामना दिया। चलिए ठीक है, ये जबरदस्त का फरमाइश आप लोगों के माध्यम से आते रहा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है आप लोग का इस सॉन्ग को बेस करके। तो मैंने जो बजाया है म्यूजिक, वैसे मेरी इच्छा थी 2 पार्ट में बनाने की, लेकिन 1 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा गीत आप कैसे गा सकें, क्योंकि कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे फिल्मी सॉन्ग ऐसे होते हैं अगर हारमोनियम प्लेइंग करके आप गाना चाहें, उसके इफेक्ट को भी लाना चाहें, तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ उसमें इंक्लूड करना पड़ता है या करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले होते हैं। तो आप सिंगल हारमोनियम बजा के किस तरीका से आप उसके इफेक्ट को ला सकते हैं, इसके लिए मैंने छोटे छोटे थोड़ा बहुत बदलाव किया है, हल्का फल्का ही किया है, लेकिन वो ज़बरदस्त आपके प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट के लिए को देखते हुए मैंने किया है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा बीच के गैपिंग को, जहाँ स्ट्रिंग कॉर्डिंग पीछे से आता है म्यूजिक के अंदर, उस सब चीज़ को भरने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, लेकिन 90% मेन नोट को मैंने रखा है स्टार्टिंग म्यूजिक पार्ट से लेके, और अस्थाई जो नोट है सॉन्ग का जो नोट है वो भी बताता हूँ, और स्टेंजा पकड़ने का, चूँकि 2 तरीका से स्टेंजा है, तो स्टेंजा पकड़ने के लिए एक छोटा सा नोट बता दूंगा। पहले सबसे मस्त है इसका स्टार्टिंग जो नोट बजता है वो कहरवा ताल में प्ले हो रहा था, सभी लोग को पता है, थोड़ा सा एस्टेंजा का नोट तक भी देखिएगा, क्योंकि एस्टेंजा में बहुत सारे लोग गाने के टाइम में कट जाता है, उसका चलन वहाँ का इस प्रकार का है कि वहाँ गाते समय लोग कटते हैं, इसलिए वहाँ तक ज़रूर देखिएगा। बीच में बहुत सारे लोग स्किप करते हैं मुझे पता है, लेकिन अंत तक देखने से क्या होगा कि आपको बात पूरी जानकारी होगी। आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी शार्प से बता रहा हूँ, ऊँचा स्केल में गाया गया है, लेकिन मैं सी शार्प से बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए, आप लोग को काफ़ी थाट के अंदर इसको मान सकते हैं। गौनी कोमल, आप सभी लोगों को पता है गौनी कोमल लगा के चलना है, और काफ़ी थाट में लोगों को पता है कि दोनों नी का भी प्रयोग है, इसलिए दोनों नी यानी कि मंद्र सप्तक की तरफ आएंगे जब, तो शुद्ध नी भी लगे, ये सभी नोट पे चर्चा, जहाँ जहाँ जब जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सब चीज़ चर्चा होगी। फिलहाल स्क्रीन पे लिखा हुआ नोटेशन आपको मिल रहा है म्यूजिक पार्ट का, तो म्यूजिक पार्ट का पहला जो नोटेशन आप देख रहे हैं वो नोटेशन है, तो विदाउट म्यूजिक यानी कि वहाँ ताल नहीं बजता है, लेकिन मैंने ताल में लेके अभी बजाया था, आप लोग भी बजाइएगा, शानदार लगता है, और इस हिसाब से आप हारमोनियम के साथ भी इफेक्ट ला सकते हैं। क्या नोट है आप देख रहे हैं, इसको बजा के दिखाता हूँ, सा ये है, कॉर्ड का प्रयोग ले लीजिएगा, जैसे पहला पार्ट आप बजाइएगा सा मा पा मा रे, यहाँ का कॉर्ड ले लीजिएगा, उसके बाद सा मा नी मा पा, ये नो बिना बजाए हुए, लेकिन कॉर्ड लीजिएगा जहां जहां पौ का और मौ का, रे और मौ का कॉर्ड, पौ का इससे आगे बढ़िएगा। तो पूरा सीखने के बाद ताल के अंदर किस हिसाब से मैंने बजाया है उसको आप पीछे करके देख के वैसा बजाइएगा ताल के रिदम के अंदर। इस पार्ट के बाद है, क्या था नोट, नी गा 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 नी पा 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 सा पा नी सा, ये लिखा हुआ है नी गा, तो गा में जो रुकना है तो यहाँ भी कॉर्ड ले सकते हैं, कई चीज कर सकते हैं, या तो नी के बाद जितना देर गा में रुकना है यहाँ का ये कॉर्ड ले सकते हैं ताल के अंदर पुशअप करते हुए, या फिर यहाँ आप वो झाला टाइप का फिंगरिंग कर सकते हैं, एक तो नी कंसर लगा के जा सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, कभी कभी ये भी बजाना चाहिए, कॉर्ड में लेते हैं तो ये सारा ताल में बजा हुआ मैंने बजाया है। तो यहाँ के बाद अब इतना करने के बाद क्या करिएगा, अब यहाँ का जो पार्ट है यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, आपका प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त होगा और वो गैपिंग भी आ जाएगा, जो गैपिंग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ स्ट्रिंग के साथ बजाया गया है, वो ऐसा कीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या बज रहा है, लिखा हुआ है सा
इतना लीजिएगा, उतना देर का टाइमिंग मिलेगा आपको, उसके बाद अगला पार्ट है। ये क्या बजा? गरे सा म गरे प म ग नि प म सा नि प म प नि सा, ये इसके बाद पार्ट बदलता है, लेकिन ये फास्ट में है तो धीरे धीरे कर लीजिएगा। उसकी इस सा के बाद इस सा से अगला पार्ट है, तो इसको ताल में कर लीजिए। एक बार और देख लीजिए, इतना इतना करने के बाद। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, इतना को रिव्यू करिए। अभी और है म्यूजिक पार्ट, जबरदस्त तैयारी होगी, सिर्फ इतना बजाएंगे ताल में। तो क्या क्या सीखा आपने? पहले तो ये सीखा, इतना तक सीख गया आप लोगों ने। अब इसके बाद का पार्ट देखिए, बजाता हूं फिर नोट बताता हूं। नोट लिखा हुआ भी है, क्या है नोट? सा सा रे ग प म म रे सा रे सा नी, जल्दी मिल लीजिएगा। फिर से देखिए, नी नी सा रे म ग ग रे ग रे सा, नी नी सा रे म ग ग रे ग रे सा। ये नोट पूरा फाइन बजाइएगा जब ताल में, जैसे रिदम कहरवा का इस रिदम में चलता है। तो कैसे बजेगा? इतना ये बजेगा। और उसके बाद है अगला जो पॉइंट आता है वो ये पॉइंट है, क्या वजह? पसामा, जिसमें कोरस का साउंड किया गया है। अगला है इतना। उसके बाद है फिर वो एक तरीका से उसको के सारंगी तरीका का साउंड है, वो वायलिन टाइप का ये है। क्या वजह? सा मा 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 नी सा लिखा हुआ है, तो यहाँ कर्ण ले लीजिएगा। इतना में एंड, फिर रुकिएगा नहीं। इसको एंडिंग होने के तुरंत बाद एक छोटा सा पीस बचता है, उसको आप बजा सकते हैं। क्योंकि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ने बजाया है, इतना पीस कोई और बजाया है, बाद का पीस जो अभी बताने वाला हूँ किन्हीं और का बजाया हुआ है, अलग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप बजा सकते हैं। सॉन्ग पकड़ने से पहले जस्ट पहले आता है वो ये है। लेकिन जल्दी में इतना एंड होने के बाद सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओके, अब पूरा मैं कोशिश करता हूँ, एक बार दिखा दो फिर सॉन्ग स्टार्ट करके अस्थाई अंतरा दिखा देता हूँ, बीच का एक पैटर्न दिखा देता हूँ। ओके, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जबरदस्त रियाज होगा आपका। कमेंट तो जरूर ही करेंगे, इच्छा अगर हो मेरी मेहनत आना का फल देने का, या ऐसा कुछ दिली भाव अगर हो तो ज्वाइन बटन है क्लिक कर सकते हैं, या सामने स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ आप डोनेशन के लिए भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं, दिल से आभार है। और क्लास भी ऑनलाइन चलता है तो उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि आप लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा, उसको किस अंदाज में बजाना है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बजा के एक बार और मैं दिखा दूँ, सिर्फ म्यूजिक पार्ट इतना ही दो। यहाँ जो बताया था ये सा के बाद मौ से ही मैंने लिया था आपको सिखाने के टाइम, ऐसा बताया था। आप चाहें तो गौ का भी प्रयोग, जैसा मैंने जल्दी में फास्ट फिंगरिंग जब होगा तो गौ का भी प्रयोग आ जाएगा, उतना टाइमिंग मिलता है। तो गौ का भी बहुत सारे लोग, हम तो स्टार्टिंग में जो बजाया था डेमो में सा का भी प्रयोग किया था, क्योंकि फिंगरिंग स्टाइल कितना फास्ट है इससे फर्क पड़ता है। तो अभी फिलहाल आप गौ तक भी ले सकते हैं, गौ से लेके वापस सा में जा सकते हैं। कैसे, यहाँ देख लीजिए।
अगर किन्हीं का फिंगर इससे भी तेज चलता है तो क्या कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। ये लेने में सतर्क रहिएगा, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे भी ताल के अंदर सिर्फ इतना का भी प्रैक्टिस कि वो जगह पे आता है कि नहीं, कमाल का एक्सरसाइज होगा, तो जगह पे पकड़ना क्या है। इतना जो पैटर्न मैंने बोला है लिखित आप लोगों को मिल गया है, इसको बार बार कीजिएगा जगह ताल पकड़ने के ख्याल से, एडवांस लेवल में चले जाइए। ही देता हूं यहां पे ये अस्थाई का नोट क्या है, सुन सब सुन गरे सगा, ये कॉर्ड। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही म्यूजिक ये नोट बजाने लगते हैं जो इसका आसान नोट है, वो ये नहीं है, और भी चीज है, कॉर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने डेमो बजाया था, सुन सब सुन ताल कंट्रोल में प्यारे की धुन, यहां बना रे नी पा सुन, पहला स्टार्टिंग में सुन सब सुन प्यारी की धुन, फिर से दोबारा जब है सुन सब सुन धनी नी ससारी रे गगमा प्यारी की धुन, और यहां से प्यारी की धुन बोलने के बाद मैंने चेंज किया था, यहां से आप सॉन्ग स्टार्ट होगा तो ये बजाते हुए आप यहां आके आगे पकड़ सकते हैं। मैंने तुझे, यहां पे ध्यान रखिएगा, याद किया था मैंने लास्ट पार्ट में सेकंड टाइम में, सुन सब सुन सुन सब सुन प्यारे की धुन, ये कॉर्ड लेके उठाइए। मैंने तुझे पसंद पर मैंने तुझे चुन लिया, ये नहीं भी लेंगे तो आवाज से कर सकते हैं, इफेक्ट लाने की बात। मैंने तुझे चुन लिया, नहीं ही लीजिएगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा आवाज, लेकिन आना चाहिए खटका के साथ। पसंद प प प नी प म मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन पमारे सा, लेकिन गला का काम है चुन, मैंने तुझे चुन लिया चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, ये भी इफेक्ट ओके। उसके बाद सुन सब सुन यहां पे रुक के क्या नोट बज रहा है, प म ग म नी प म ग प्यार की धुन, लेकिन यहाँ ये लगा सकते हैं ओके। स्टेंजा बजाने से पहले वैसे दो पार्ट बजाता तो पूरा म्यूजिक बताता, लेकिन इतना भी आप इतना जब कर लीजिएगा तो खुद से भी ढूंढ लीजिएगा क्या कर सकते हैं। ये कर लीजिए, नी पर नी रे
साथ यहाँ से उठता है। कोई हसीना कदम, और यही पॉइंट बताया था एस्टेंजा में कटने का डर, यहाँ पे कट सकते कटते हैं लोग जनरली, लेकिन कैसे करना है, कोई यहाँ से कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, पहले का ले सम पे आ रहा है वापस, इसलिए ध्यान रखिएगा। कैसे होगा, कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, पहले तो ले में आ रहा है फिर ही में आ रहा है, फिर से कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, फिर से कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, पहले बढ़ाती नहीं। ओके, तो ये पार्ट था। उसके बाद मजबूरी दिल से ना हो, नी से नी 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 धप सनी धप मा, तो पास आती नहीं हो, मैं दोबारा में हो पानी हो, ये बजा के फिर लीजिएगा, से डायरेक्टली सा पे प्रीत के धागे मेरे, संग मेरे पमरे सा। उसके बाद एक स्टेंजा और है, उसका मैं नोट बजा के दिखा देता हूँ कैसे बजाएगा। लाइन आप लोग को अंदाजा हो जाएगा, पूरा लाइन गाने में खतरा है, ऐसे में बजा देता हूँ आराम से। तू जो कहे तो चल दूं मैं, धप मारे चल दूं मैं साथ भी, हो तेरा इशारा तो कौन लगाए रे का, तैयारी के साथ जब इसको गाएंगे जबरदस्त आपका इफेक्ट और इम्प्रूवमेंट होगा। कमेंट जरूर करेंगे मैं ठीक हो रहा हूँ, और निरंतर आप लोगों को लेसन मिलता रहेगा, आप लोगों के साथ बन के रहूँगा, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।